क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ नंबर में क्या लिखा गया, बोला गया एक आदमी है जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद रहा है, ठीक है ना, और हर साल उसका दाम जो है बढ़ जाता है 100 रुपए, और वो क्या क्या 12 साल तक खरीदा है, यानी कि 12 हो गया, और कितना का खरीद लिया है अभी तक, अभी तक खरीद लिया 7200 का। तो हमको ए का दो बिट में क्वेश्चन है, ए का वैल्यू फाइंड करना है और दूसरा बिट में निकालना है ए एट क्या होता है, ए प्लस 7D होता है, ये निकालना है। तो ए और डी पता चल जाएगा तो हम लोग ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। तो फिलहाल ये डी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है SN था, SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू N बाई 2 विद इन ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इनटू डी लिख देते हैं इसको। SN के जगह में लिखेंगे 7200, N के जगह में 12 हो गया, 12 बाई 2, ये हो गया 2A प्लस, इसको माइनस कर रहे तो 12 यानी कि 11, और डी का वैल्यू है 100, ये 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 7200 इज इक्वल टू 6 विद इन ब्रैकेट 2A प्लस 1100। अब 6 को 6 से इसको काट देते हैं, 6 9 8 72, 6 से काटते हैं, 6 का 6 दुनी 12 00, यानी कि यहाँ 1200 हो जाएगा। ये कितना है 2A है और ये कितना है 1100 है, 1100 को उठा किधर लेके आएंगे तो 1200 माइनस 1100 हो जाएगा, ये है 2A, माइनस करेंगे तो 100 हो जाएगा 2A, तो A का वैल्यू हो जाएगा 50। अगर A का वैल्यू 50 है तो पहला वाला का तो आंसर आ गया 50, मगर दूसरा वाला के लिए हमको D तो पता ही है, तो यहाँ A की जगह में 50 लिखेंगे और 7 × 100 कर देंगे, तो 750 आंसर हो जाएगा हम लोग का बिट 2 के लिए। ये था क्वेश्चन नंबर 4।